गाइस जैसे कि आप सभी को पता है अपना जो न्यू अपडेट है गेम का वो आ चुका है एंड आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। जैसे अभी आप लोग सामने वहां पर बिल्डिंग देख सकते हो, न्यू बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिली है और साथ ही में आप लोगों को इसमें जुरासिक पार्क देखने को मिला है और डॉग वगैरह देखने को मिले हैं। जैसे अपने डॉग का चीट कोड है वो है 600 और अपना जो न्यू डॉग है वो स्पॉन हो जाएगा जो है अपना जर्मन शेपर्ड और अपने इसमें न्यू महिंद्रा थार भी आई है जिसका चीट कोड है 9090। तो गाइस आज की वीडियो में होने क्या वाला है, गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा ये एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ जो अपना न्यू अपडेट है उसमें क्या क्या चीजें आई है, क्या क्या न्यू अपडेट्स आए हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर हमें वही तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, कोई भी अब हमें यहाँ पर कोई न्यू ऑप्शन नहीं देखने को मिला है। चैलेंज में जाते हैं तो चैलेंज में हमें एक जुरासिक पार्क का ऑप्शन मिला है, जैसे पहले यहाँ पर मेगा रैम देखने को मिलता था और फन ट्रैक देखने को मिलता था, लेकिन अब आप लोग यहाँ पर जुरासिक पार्क का भी ऑप्शन मिला है। तो इस जुरासिक पार्क पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये यहाँ पर लोडिंग हो रहा है और गाइस यहाँ पर जो है हम एंटर हो चुके हैं अपने जुरासिक पार्क में। तो इससे जो है हम अपने जुरासिक पार्क में आसानी से पहुंच सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है जुरासिक पार्क में पहुंचने का। लेकिन अगर कोई लोग जुरासिक पार्क में ऐसे नहीं आना चाहता तो वो वैसे आ सकता है अपनी बाइक वगैरह से। तो आना कहाँ होगा आप लोगों को, आप लोग होगा अपने ट्रेन स्टेशन पर, तो आप लोग उससे भी आसानी से आ जाओगे। वैसे ये शॉर्टकट तरीका बढ़िया है, आप लोग यहाँ से आ सकते हो। और इसमें क्या आया है गाइज न्यू, गाइज इसमें आया अपना टी रेक्स। जी हाँ गाइज, आप लोग इसमें टी रेक्स देखने को मिला है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी मैंने उसके साथ थोड़ा सा गेम प्ले करा था, उसने जो है गेम को एकदम वास्टेड कर दिया था। अभी मैं आप लोगों से मिलवाने वाला हूँ टी रेक्स को, तो चलो ढूंढते हैं अपने टी रेक्स डायनासोर को। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो अपना टीरेक्स है वो यहीं कहीं होगा, वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि जुरासिक पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अगर आप लोग टीरेक्स को ढूंढना चाहते हो तो गेम को अपडेट कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है प्ले स्टोर से। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है आप लोग इस शॉर्टकट तरीके से अपने जुरासिक पार्क में आ सकते हो। तो चलो गेम को यहाँ से प्ले करते हैं और देखते हैं और क्या नया हमें इसमें देखने को मिला है। और हाँ, काफ़ी लोग बोल रहे हैं भाई हमें पेट्रोल पंप का नहीं पता है पेट्रोल पंप कहाँ पर है। तो चलो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर पेट्रोल पंप पे लेके चलता हूँ, जो अपना पेट्रोल पंप है वो कहाँ पर है। आप लोगों को सीधा घर के पीछे चले जाना है, मतलब अपना जो घर है उसके पीछे आप लोगों को अपना पेट्रोल पंप देखने को मिल जाएगा। जस्ट पीछे है अपना पेट्रोल पंप, तो आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा सामने गाइस, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो जो अपना पेट्रोल पंप है वो रहा सामने। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, चलो ट्राई करके देखते हैं जो अपनी थार है उसके अंदर पेट्रोल वगैरह भर के देखते हैं क्या पेट्रोल डल पाता है या फिर नहीं अपनी थार में। तो गाइज हम सही जगह पर पहुँच चुके हैं, तो ट्राई करके देखते हैं जो पेट्रोल है क्या वो डल पाता है या फिर नहीं, या फिर वैसे ही शो के लिए है पेट्रोल पंप। तो यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है जो हम अपना तेल डलवा सके अपने थार में, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये सिर्फ शो के लिए है अपना पेट्रोल पंप, यहाँ पर आप कोई तेल वगैरह को नहीं डाल सकते हो। लेकिन हाँ, आप लोग इसके ऊपर चढ़ जरूर सकते हो, जैसे अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो अपना करेक्टर है वो यहाँ पर चढ़ गया था। चलो और कुछ भी एक्सप्लोर करते हैं इसमें और क्या नया देखने को मिला है। तो अपनी थार का कुछ ऐसा इंटीरियर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अब यहाँ पर हम अपने फॉर्च्यूनर को स्पॉन कराते हैं, क्योंकि गाइस जो फॉर्च्यूनर है वो यहाँ पर कुछ मॉडिफाई होके आई है जैसे इस गेम के डेवलपर ने कम्युनिटी पोस्ट डाला था। आप लोग यहाँ देख सकते हो जो अपनी फॉर्च्यूनर कार है वो अब यहाँ पर वाइट कलर में स्पॉन हो रही है, पहले क्या होता था पहले ब्लैक में होती थी शायद। तो इसका इंटीरियर देखते हैं, इसका कैसा इंटीरियर है अपनी फॉर्च्यूनर कार का। तो इसका जो है आप लोग कुछ ऐसा इंटीरियर देखने को मिलता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को पहले वाली अपनी थार अच्छी लगती थी या फिर ये न्यू वाली मॉडिफाइड थार अच्छी लग रही है। बेचारी हमारी पुरानी थार जो है वो इस गेम में से रिमूव हो गई है। तो यहाँ पर सामने आप लोगों को जुरासिक पार्क देखने को मिल जाता है, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को ट्रेन स्टेशन पर आप लोगों को जुरासिक पार्क देखने को मिल जाता है। तो चलो अब मैं यहाँ पर और कुछ न्यू चीट कोड्स बता देता हूँ आप लोगों को एंड फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस जो अपना यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है अपना 9090, इससे स्पॉन होगी अपनी न्यू मॉडिफाइड थार। एंड गाइस अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है डॉग का, जिसका चीट कोड है 600। इससे पहले अपना ओल्ड डॉग स्पॉन होता था लेकिन अब से न्यू डॉग ऐड कर दिया गया है जो है अपना जर्मन शेपर्ड डॉग। तो गाइस अब जो यहाँ पर अपना नेक्स्ट चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है 800, इससे स्पॉन होगी अपनी बुगाटी। एंड गाइस अब जो यहाँ पर अपना नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है 3333, इससे स्पॉन होगी अपनी लैम्बोर्गिनी।
एंड गाइस अब यहाँ पर अपना नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है, वो होने वाला है 777 और इससे स्पॉन होगी अपनी ड्यूक, सॉरी इसे स्पॉन हो चुकी है अपनी डुगाटी डिआईवल। एंड गाइस अब यहाँ पर अपना नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है, वो होने वाला है 9000, इससे स्पॉन होगी अपनी स्प्लेंडर। एंड गाइस अब यहाँ पर अपना नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है, वो होने वाला है 7000, इससे स्पॉन होगी अपनी हायाबुसा जिसका चीट कोड है 7000। एंड गाइस अब यहाँ पर अपना नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है, वो होने वाला है अपना न्यू लैम्बोर्गिनी का जिसका चीट कोड है 700 एंड इससे स्पॉन हो जाएगी अपनी न्यू लैम्बोर्गिनी। तो गाइज अब आप लोग बोलोगे भाई ये तो ओल्ड चीट कोड है तो हमें पता है, गाइज जो अपना न्यू अपडेट आया इसमें सिर्फ आप लोगों को कुछ पेट्रोल पंप और जुरासिक पार्क देखने को मिला है, बाकी इसमें और कुछ नया नहीं आया है क्योंकि थार अपनी ऑलरेडी ऐड थी, बस उसको सिर्फ थोड़ा मॉडिफाइड किया है और बाकी अपना डॉग भी इसमें ऑलरेडी ऐड था, उसकी जगह बस न्यू डॉग ऐड किया गया है, बाकी इसमें कोई भी कुछ न्यू अपडेट नहीं आया है। तो आप लोग कमेंट कर बताइए आप लोगों को इस बार का अपडेट कैसा लगा, मुझे तो ठीक ठाक लगा है, उतना अच्छा नहीं लगा था जैसे लास्ट टाइम आया था, ठीक ठाक लगा मुझे इस बार का अपडेट। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा अपडेट लगा, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को यही अपडेट देने वाला था, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों साथ शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।